एंड आज मैं आपको पूरी टेक्ट्रिप्स फैमिली की तरफ से विश करती हूँ अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल के साथ क्रिप्टो फिल्टर्स पर आप देखेंगे नए नए एपिसोड्स। 2022 साल की शुरुआत तो हो गई है और क्रिप्टो फिल्टर्स में आज एक बार फिर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। 2021 में बिटकॉइन के इन्वेस्टर्स ने खूब पैसे कमाए। 2021 में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 51,26,202 रुपीस तक पहुंचा। इसी साल बिटकॉइन का लो भी 22 लाख रुपए के करीब था। ऐसे में जिसने उस समय बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट किया हो उसका पैसा भी लगभग एक साल में दोगुने से भी ज्यादा हो गया। हालांकि बिटकॉइन के प्राइस में गिरावट के बाद अब ये लगभग 37 लाख रुपए पर पहुंच गया है। अब ऐसे में सवाल ये आता है कि 2022 में क्या होने वाला है? क्या 2022 में बिटकॉइन में पैसा लगाना चाहिए और इस साल भी पैसा लगाने पर दुगना हो जाएगा या नहीं? ये सवाल तो आपके मन में भी चल रहे होंगे। तो 2021 में ऑल टाइम हाई बनाने के बाद बिटकॉइन में ज्यादातर गिरावट देखने को मिली। इस इंस्टेबिलिटी को देखते हुए क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स अगले साल रिजल्ट की भविष्यवाणी करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट फंड ARK36 के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ल्यूकस लैग्यूडिस का कहना है कि देखना होगा कि बड़े इन्वेस्टर डिजिटल एसेट्स को किस तरह ट्रीट करते हैं। अगर वे इसके सपोर्ट में आते हैं तो निश्चित तौर पर 2022 में भी लोगों को पैसा बना के देगा, लेकिन अगर इसके विरोध में कई बड़े फंड आ जाते हैं तो इसके बढ़ने के चांसेस भी कम हैं। 2021 में बिटकॉइन की अच्छी परफॉर्मेंस का एक बड़ा कारण वॉल स्ट्रीट की क्रिप्टो करेंसी को लेकर अधिक दिलचस्पी थी। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बिटकॉइन फ्यूचर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के लॉन्च के बाद ही अक्टूबर में बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार बिटकॉइन को 2022 में इथेरियम से कड़ा कंपटीशन मिल सकता है। हालांकि बिटकॉइन को लेकर काफी लोग बुलिश हैं। कई लोगों का मानना है कि एक दिन इसकी वैल्यू 1 करोड़ के पार चली जाएगी। दुनिया के कई बड़े लोग बिटकॉइन को लेकर काफी बुलिश हैं। फिर चाहे बात टेस्ला के को फाउंडर एलन मस्क की हो या फिर ट्विटर के फॉर्मर CEO जैक डॉर्सी की। अब ट्विटर के फॉर्मर CEO जैक डॉर्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि भविष्य में बिटकॉइन अमेरिकी डॉलर की जगह लेगा। एल सेल्वाडोर ने तो इसे अपने देश में लीगल टेंडर भी घोषित कर दिया है। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर दुनिया भर में बिटकॉइन को बड़े पैमाने पर एक्सेप्टेंस मिलती है तो ये फिर से शायद ऑल टाइम हाई पर जा सकता है। लेकिन अगर इस पर कोई रेगुलेट या फिर बैन वाली बात आती है तो ये अपने ऑल टाइम लो पर भी जा सकता है। हालांकि हम आपको अपने चैनल पर लगातार इसके बारे में अपडेट तो करते ही रहेंगे। दोस्तों, बिटकॉइन को लेकर हम पहले भी कई सेपरेट वीडियोस बना चुके हैं और अगर आपने किसी भी रीजन से वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और अभी भी आपके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं समीरा आप सभी से लेती हूँ इजाजत। अलविदा, बाय बाय।